हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका राइजिंग जेम्स एकेडमी पे। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे और हमारे वीडियोस का बेनिफिट ले रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो जाके जरूर से देखें, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरे सारे क्लासेस के वीडियो का कलेक्शन चैनल पे क्लास 10 मैथमेटिक्स नाम से मौजूद है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है यानी कि द्विघात बहुपद जिसका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं, यानी कि शून्य का योग और शून्य का गुणनफल ये हमें दिया हुआ है। इन दोनों के हेल्प से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है यानी कि द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, बाकी सारे पार्ट बचे हुए हैं तो हम आज उसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सब पार्ट, ठीक है। क्या दिया हुआ है, गिवन सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्य का योग अंडर रूट 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्य का गुणनफल 1/3, ठीक है। पहले हमें क्या दिया हुआ था, सम ऑफ जीरोस यानी शून्य का योग अंडर रूट 2 और क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्य का गुणनफल 1/3। अब जैसा कि हम जानते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स then a quadratic polynomial can be written as, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर अल्फा और बीटा, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं यानी कि दो शून्यक हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरोस दिए हुए हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का मतलब जीरोस हमारे क्या है, अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट 2, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब जीरोस हमारे अल्फा और बीटा हैं तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 यानी कि 1/3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को डायरेक्ट यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रूट 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। कहां से पता चला, क्योंकि ये दोनों गिवन है, ठीक है, गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू रूट 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम यहां देख रहे हैं यहां 3 क्या है, डिविजन में है यानी कि भाग में, तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर। इस टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 अंडर रूट 2x। और अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1, यानी कि डिवाइड हो जाएगा 3/3 और हमें क्या मिलेगा, 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, 10
दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अंडर रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर टू का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टू का सब पार्ट थ्री। ठीक है, सब पार्ट थ्री में सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, जीरो, और सम ऑफ प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, रूट फाइव। ठीक है, यानी कि शून्य का योग दिया हुआ है जीरो के बराबर और शून्य का गुणनफल दिया हुआ है रूट फाइव के बराबर। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है रूट फाइव। ठीक, और क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तुम्हारे पास वैल्यू दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू रूट फाइव। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया है, जीरो, तो इसको में हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या दिया है, रूट फाइव। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह जीरो, तो हमने जीरो यहां वैल्यू पुट किया और अल्फा इंटू बीटा की जगह रूट फाइव, तो हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह रूट फाइव लिख दिया। अब ये टर्म तो हमारा जीरो हो गया, तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक, क्या किया हमने यहां पे, कैसे पुट किया, क्योंकि यहां पे हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू रूट फाइव। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करेंगे। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर में सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, वन, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है, वन, यानी कि शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है, वन के बराबर, और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, वन के बराबर। ठीक है, तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, वन, और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, वन। ठीक है, और क्योंकि अल्फा और बीटा अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जा सकता है, इस तरीके से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद। तो यहां से हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिल गया, वन के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितने के बराबर मिल गई, वन के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह वन, वन इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह वन, ये क्या हमारा हो गया, वन इक्वल टू जीरो। सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल टू डिग्री का। ठीक, दिए हुए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग हमारा जो पॉलिनोमियल क्या हो गया, सॉल्व करने पे हमें ये पॉलिनोमियल मिला। क्या लिखेंगे हम, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कहाँ से मिली, क्योंकि वो प्रश्न में दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू वन, दिस इज गिवन। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, दस दी पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अतः द्विघात बहुपद क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फोर भी। ठीक है, इसको भी आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर टू का सब पार्ट फोर, और ये है उसका क्या, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।
आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, 1/4। ठीक, तो यहां से हमें अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, कितने के बराबर, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर मिल जाएगा, 1/4। ठीक है, तो यहां से हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4, तो -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4, यानी कि 1/4, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहां भी 4 डिनोमिनेटर में है, यहां भी 4 डिनोमिनेटर में है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 4x², ठीक है, ये स्टेप समझ में आया, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस टर्म में हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहां 4 मल्टीप्लाई में और 4 डिवाइड में भी, तो क्या होगा, डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, यानी कि हमें केवल क्या मिलेगा, x मिलेगा। इसी तरीके से जब हम इस टर्म में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4/4 1 हो गया, यानी कि यहां पे क्या मिला, 1/0। ठीक है, अगर आप लोग को ये स्टेप नहीं अच्छे समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्या किया हमने, दोनों स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, ये हमारा होगा 4 से मल्टीप्लाई करने पे। अब क्योंकि ये 0 है, इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये हो गया हमारा 4x². ठीक, ये 4/4 कैंसिल होके 1, तो क्या मिला, प्लस एक्स, और यहां भी 4/4 कैंसिल होके 1। ठीक, और क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 ही मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, दिए गए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग, दिए गए सम ऑफ जीरोस यानी शून्य के योग और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणनफल, इसके अनुसार हमारा जो द्विघात बहुपद है वो क्या है, 4x² + x + 1। दस द पॉलिनोमियल इज 4x² + x + 1 = 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 5 का सोल्यूशन है ये, कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, देख रहे हैं कितना आसान है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एक ही कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो रहे हैं, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप लोग का ये होमवर्क क्वेश्चन है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो इसके लिए आप लोग हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्स एकेडमी। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा आप हमसे हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम राइजिंग चैम्स एकेडमी है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आने तक हमसे जुड़े रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप राइजिंग एंड गो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।